तो इस वीडियो में हम लोग सिक्किम के ट्रैवल गाइड के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपके लिए सिक्किम ट्रैवल इन्फॉर्मेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, जो कि पहला पार्ट है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सिक्किम, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, दूसरा पार्ट है बेस्ट टाइम टू विजिट, और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट। सो वीडियो को एंड तक देखते रहें बिकॉज वीडियो के अंत में आपको बजट के बारे में बताया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हे गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं अपने रीसेंट सिक्किम ट्रिप के एक्सपीरियंस से आप लोगों को सारी जानकारी डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। यार इस व्यू का ना हकदार वही होता है जो बार बार थकने के बाद भी अपने जुनून को नहीं भूलता। वैसे ही ना जिंदगी में सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनको पाने का हकदार वही होता है जो बार बार गिरने के बाद भी अपने उस सपने को नहीं भूलता। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसेस टू विजिट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला पार्ट जो है ईस्ट सिक्किम और दूसरा पार्ट नॉर्थ सिक्किम लिया है मैंने। तीसरा पार्ट भी हो सकता है वेस्ट सिक्किम का, वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज मैं पर्सनली वहाँ घूमा नहीं हूँ और ईस्ट और नॉर्थ में ही बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईस्ट सिक्किम से। जैसा कि आप देखोगे ईस्ट सिक्किम में इतनी सारी जगह हैं घूमने की, टोटल 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो इन 7 पॉइंट्स में यह सबसे पहले जो आता है कंचनजंगा व्यू पॉइंट, नाथुला पास जो कि मेन अट्रैक्शन है, और उसके बाद हंगुल लेक, और उसके बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, और उसके छंगू लेक, मंदाकिनी फॉल्स, और लास्ट में जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो है गैंगटॉक की मार्केट, जिसे हम एमजी मार्केट भी बोलते हैं। और वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, और वहाँ पे गैंगटॉक में एक रोप वे भी है, वो भी मैंने इसी में इंक्लूड किया हुआ है। ऊंचे पहाड़ों के पास किसी नई जगह कुछ नए लोगों के साथ, इन झीलों को देखते हुए कितना अच्छा लगता है ना, इन झरनों के पानी में और वो सूरज की आखिरी किरणों के साथ उस दिन की खत्म होती कहानी में कितना अच्छा लगता है ना। वैसे तो आज सिक्किम में मेरा पहला ही दिन था, लेकिन बस ईस्ट की एक झलक ने और कुछ नए दोस्तों की दोस्ती ने पहले ही मेरे दिल में घर कर लिया था। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप एक ही साथ कर सकते हो, 6 के 6 पॉइंट जो हैं स्टार्टिंग के, वो आप एक ही शेयर टैक्सी में जाके कवर कर सकते हो। अब बात आएगी कि ये शेयर टैक्सी मिलेगी कहाँ से और क्या प्राइस होगा उसका। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इसके लिए आप एक पैकेज ले सकते हो जो कि आपको शेयर टैक्सी में पूरे दिन भर टूर देते हैं, जिसमें ये सारे पॉइंट्स की साइट सीनिंग होती है। अब ये साइट सीनिंग होगी कहाँ से, कैसे होगी, उसके लिए बता दूं दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, तो दोस्तों ये टैक्सी जो है वो छंगू लेक टैक्सी स्टैंड में मिल जाती है, जिसे हम नाथुला टैक्सी स्टैंड भी बोलते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप गैंगटॉक में हो तो वहाँ से थोड़ा सा ये दूर पड़ता है, तो वहाँ से आप लोकल जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से 50 रुपये पर पर्सन के टिकट से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों आपका ईस्ट सिक्किम की बारी। नॉर्थ सिक्किम में दोस्तों आपको 3 पॉइंट्स दिख जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको पैकेज लेना पड़ता है, और वो पैकेज में आपका मील्स, एकोमोडेशन, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको गैंगटॉक से लाचुंग लेके जाते हैं, जिसमें रास्ते के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें कि मेन चीज़ जो है वह है बटरफ्लाई वाटरफॉल, जैसे कि देखने को मिलेगा, तिस्ता रिवर देखने को मिलेगी, और नागा वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा, और भी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका जो ड्राइवर है टैक्सी कहाँ किन पॉइंट्स पर रुकती है उस पर डिपेंड करता है, कई बार वेदर और टाइम की वजह से ये लोग कई पॉइंट्स स्किप कर देते हैं। तो ये तो है आपका लाचुंग तक की जर्नी। लाचुंग के बाद आप लाचेन जाते हैं, बट लाचुंग एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका कटाऊ और कांडा वाटरफॉल और आगे बढ़ता है। तो इसके लिए क्या होता है ना दोस्तों, ये तीन चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 1, 2, 3, कटाऊ, यमथंग वैली और 0 पॉइंट, ये जो होते हैं नॉर्मल पैकेज जो मैं बताऊँगा आपको, या कॉस्टिंग जो है उसकी बजट में हम डिस्कस करेंगे बजट वाले पॉइंट में, वो नॉर्थ सिक्किम के पैकेज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो इन तीन चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उसकी भी डिटेल्स मैं आगे बजट वाले पॉइंट में दे दूंगा आपको। उसके बाद जब आप लाचेन पहुंच जाएंगे तो लाचेन से आपको अर्ली मॉर्निंग गुरु दोरमार्ग लेक विजिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसी दिन आप गैंगटॉक रात को वापस पहुंच जाएंगे। सो गाइस ये देखिए हमारी गाड़ी का जो डीजल है वो लीक कर रहा है कल से। मेरी 2 साल से आने की तमन्ना थी, आज फाइनली पूरी हुई है। यहाँ से वापसी के लिए मैंने कुछ नया जुगाड़ ढूंढा है, डायरेक्ट एयरपोर्ट जानने के लिए वीडियो में बने रहे। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप यहाँ पे खत्म होता, तो मैंने इसे कर दिया है बंद। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बेस्ट टाइम टू विजिट।
अब ये यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे हमें जाना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है विंटर और एक है आपका समर, और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है नवंबर, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं विंटर और समर का बता देता हूँ। सीन क्या है, देखो सीन ये है कि अगर आपको स्नोफॉल देखना है और यू नो लैंडस्केप देखना है पूरा जो स्नो से भरा हो, टेरेन पूरा स्नो से भरा हो, ऐसा वाला व्यू देखना है, तो आप कंसिडर कीजिए कि आप मिड दिसंबर में जाइए, ये यहाँ पे बेस्ट टाइम माना जाता है। और इससे पहले थोड़ा सा इतना स्नोफॉल नहीं होता है, बट मिड दिसंबर के बाद जो है स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है और बहुत सारी ठंड भी वहाँ पे पड़ने लग जाती है। और समर की बात करें तो समर में जो बेस्ट टाइम माना जाता है मार्च से मई तक का बेस्ट टाइम माना जाता है, और कई लोग अक्टूबर को भी अच्छा समय मानते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट है नवंबर। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि यार देखो ऐसा है कि अगर आपका मेन मोटिव ग्रुप 2 मार्क ले करना है तो उस टाइम पे थोड़ा सा फाइट मिड दिसंबर में हो सकता है, क्योंकि कई बारी दिसंबर के टाइम में हैवी स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे जो है रोडें ब्लॉक हो जाती हैं और आपको फिर ऊपर नॉर्थ की साइड जाने नहीं दिया जाता। तो इसके लिए अगर आप मिड दिसंबर चूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वेदर फोरकास्ट चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, जो भी आपके एजेंट है या फिर आप जो होटल्स बुक किए हुए हो या अकेले जा रहे हो तो किसी से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पूछना पड़ेगा लोकल से कि क्या वो ट्रिप अभी चल रहा है, क्या रूट्स वहाँ पे ब्लॉक हुई है या नहीं हुई है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, ऐसी असुविधा से बचना चाहते हैं, तो आप मिड दिसंबर से पहले का प्लान कीजिए जब स्नोफॉल की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं नवंबर में क्यों गया था, जबकि अच्छा टाइम तो ये है अक्टूबर तक का, मैं नवंबर में इसलिए गया था बिकॉज नवंबर के स्टार्टिंग में ना क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे जो सीज़न है वो ऑफ होने लग जाता है, और जब सीज़न ऑफ होता है तो भीड़ भी बहुत कम होती है, और प्लस वहाँ पे जो रेट्स हैं चीज़ों के दाम हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे होटल का रेंट जो है नॉर्मलाइज हो जाता है और फूड नॉर्मलाइज हो जाता है, पैकेजेस नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो एक तरीके से बेनिफिट होता है। मैं जनरली इसी टाइम पर प्रेफर करता हूँ ट्रैवल करना, तो इसलिए मैंने नवंबर पर लिखा हुआ है। और मैं ये भी बता देता हूँ आपको, मैंने नवंबर में विजिट किया था और नवंबर में अच्छा वेदर था, सब कुछ ओपन था, प्रॉपर मैंने घूमा है, स्टे किया है, काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे। आप मेरे अगर डिटेल्ड व्लॉग देखना चाहते हैं, मैंने एक एक दिन का व्लॉग किया हुआ है, किस दिन कहाँ गया था, कैसे गया था, उसका लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्लॉग 1, 2, 3 करके आप जाके देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट में मूव कर लेते हैं, अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट। इन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी देख लीजिए, 22 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, उसके बाद एक परमिट्स भी आता है, एक छोटा सा पॉइंट है, मैं उसको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट ओपन करते हैं यहाँ पे, भैया बजट में क्या है ना, आप देखो बजट में बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, 6 पॉइंट्स हैं। तो 6 पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवलिंग बजट की, उसके बाद करेंगे स्टे वाले बजट की, फिर फूड का क्या बजट रहेगा पर डे का, उसके नॉर्थ सिक्किम का जो टूर पैकेज है जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे पैकेजेस से जाते हैं उसका क्या बजट रहेगा, ईस्ट सिक्किम का क्या बजट रहेगा अगर जो आप टूर से जाते हो शेयर टैक्सी वाले, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे टोटल बजट पर हेड कितना पड़ जाएगा आपको, है ना। तो स्टे ट्यून फॉर दिस बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रैवल बजट की, ट्रैवल बजट का मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, 9 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो 9 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है आपका फ्लाइट का। देखो फ्लाइट का तो दोस्तों ऐसा है कि जो ऑन एवरेज जो फ्लाइट रहती है वहाँ पे अगर आप टाइम से बुकिंग कराते हो तो 6,000 से 7,500 रुपये तक पड़ जाती है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स देखनी है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फ्लाइट टिकट्स कराने के लिए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे कहीं आई बटन में आ रहा होगा। तो इसको तो मैं अभी फिलहाल कर देता हूँ बंद। के बाद जो इम्पोर्टेंट बजट है वो है आपका गैंगटॉक पहुँचने का एयरपोर्ट से, क्योंकि आप बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे हो तो वहाँ से आपको पहले ट्रांजिट होना पड़ता है टैक्सी स्टैंड तक, जो टैक्सी स्टैंड होता है गैंगटॉक की वहाँ से डायरेक्ट टैक्सीज लगती हैं शेयर टैक्सी, और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है एसी शेयर टैक्सी का। तो जो जनरल शेयर टैक्सी होती है वो आपकी पड़ेगी 400 से 500 पर पर्सन, ये थोड़ा सा सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है, बट मेक श्योर कि आपका प्राइस जो है इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और प्लस दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एसी शेयर टैक्सी का, ये मुझे वहीं जाके पता लगा था, बिकॉज मैं जाते वक्त तो जनरल शेयर टैक्सी से गया था जिसमें वो लोग ना फुल सीट भरते हैं और आपको कोई प्रेफरेंस नहीं होती आपको कहाँ पे बैठना है, जैसा नंबर लगेगा जैसे लोग भर जाएंगे जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठना पड़ता है, थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है बट ठीक है, आपका थोड़ा सस्ता भी पड़ता है तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें कि थोड़ा सा यू नो सीट प्रॉपर हो, एसी हो, थोड़ा सा यू नो लेग स्पेस हो, तो उसके लिए आप ये दूसरा ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया आपको कि एक विज ऐप है। हाँ, ये मुझे वहीं पता लगा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी रिकमेंड किया था और अच्छा फीडबैक था, तो आई थॉट ऑफ इंस्टॉलिंग दिस ऐप।
आप चाहो तो आप भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप मेरा रेफरल यूज करोगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है AHV4FQV, तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं फायदा इसका हो जाएगा नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो मेरे को जो टिकट पड़ी थी वापसी की गैंगटॉक से एयरपोर्ट तक की पूरी, वो मुझे शायद 900 समथिंग पड़ी थी। तो आप इसका मोटा मोटा 900 से 1000 रुपये पर पर्सन मान लीजिए अगर आप ये लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप जब बुक करते हो तो आपके पास टाइम की प्रेफरेंस रहती है, प्लस आपके पास सीट की प्रेफरेंस रहती है आपको कौन सी सीट लेनी है, और प्लस आपको लेग स्पेस अच्छा मिलता है, और इनोवा टाइप की गाड़ी मिलती है अच्छी, और प्रॉपर मेंटेन गाड़ी, अच्छे ड्राइवर मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं आपकी वो पैकेज के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक का जो है मैंने आपको ट्रैवलिंग का बजट बता दिया है, तो ये आपको अगर ठीक लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ क्वेरीज इनमें से कुछ भी होगी तो वो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ठीक लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक भी ठोक देना, और बहुत अच्छी लग रही है तो दोस्तों के शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टे की तरफ। तो दोस्तों स्टे में क्या है ना, स्टे में मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है सीजनैलिटी के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मुझे वहाँ पे 500 से 800 तक के बेसिक रूम मिल गए थे इजीली, और प्लस अगर थोड़े से अच्छे रूम चाहिए तो आपको 900 से 1500 रुपए तक के खर्चा उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों मोटा मोटा आप ऑन एन एवरेज मान लो कि आपका 1000 रुपीज़ पर डे जो है स्टे में जाने वाला है। और अगर आप चाहो इसको और रिड्यूस करना, तो थोड़ी सी मेहनत करके आप थोड़ा यू नो बेसिक होटल ले सकते हो इधर उधर जाके, तो वो आपको 500 से 800 के बीच में पड़ेगा। और अगर आपको सस्ता करना है तो आप वहाँ पे हॉस्टल्स ट्राई कर सकते हो, होम स्टेज ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास वहाँ पे समय कम था और मैं रात को वहाँ पहुँचा था, तो मुझे सडनली रूम लेना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बट हाँ मुझे लोकल की हेल्प से ये सस्ते रूम मिल गए थे। अब हम बात कर लेते हैं फूड की, नेक्स्ट पॉइंट है फूड। फूड तो टोटली डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप फास्ट फूड खाते हो या नहीं खाते हो, कैसा खाना खाते हो उसके ऊपर। बट मैंने अपने हिसाब से एक मोटा मोटा बजट यहाँ पे बना दिया है। तो देखिए दोस्तों ऐसा है वहाँ पे क्या कि सारे टाइप का फूड अवेलेबल है, दैट मींस कि आपको वहाँ पे पूरी आलू की सब्जी से लेके पाव भाजी से लेके जलेबी समोसे से लेके आपको फास्ट फूड प्रॉपर मिल जाएगा, प्रॉपर थाली भी मिल जाएगी, छोले भटूरे भी मिल जाएंगे, प्रॉपर रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, फैमिली रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा प्रेफर करते हो। तो दोस्तों मैंने जो अपना खाया था उसके हिसाब से मुझे लगा कि आप 500 रुपये के अंदर अंदर आपका हो जाएगा अगर आप स्ट्रीट फूड जैसे मोमोज और यू नो नाश्ते में पूरी और आलू की सब्जी, और खाने में आपने कुछ खा लिया राजमा चावल और इस टाइप की चीज़ें खाते हो, तो आपका 500 के अंदर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करते हो कि रात को आपने बोला डिनर थोड़ा अच्छी जगह करते हैं यू नो थोड़ा फास्ट फूड खा लेते हैं, तो आपका 500 से 800 के बीच में खर्चा हो जाना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं पैकेज की। तो भाई ये देना इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नॉर्थ सिक्किम पैकेज और ईस्ट सिक्किम पैकेज। अब यार दोस्तों एक इसको खोलने से पहले मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि ये जो पैकेज है ना इसमें घोटाला बड़ा होता है, कि कई बार लोग कहते हैं कि किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं और वो ज़्यादा पैसा ले लेता है अपना कट ले लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा वो टैक्सी स्टैंड चले जाना है, नाथूला टैक्सी स्टैंड, और वहाँ पे जाके जो प्रॉपर लोग खड़े होते हैं टैक्सी ड्राइवर्स खड़े होते हैं उनसे पूछिएगा, वहाँ पे आपको सीधे करेक्ट सही बंदे आपको मिल जाएगा और वो बंदा आपको सही रेट बताएगा और वो आपको सही पैकेज भी प्रोवाइड कर देगा। अब खुलते हैं इस पैकेज को। इस पैकेज में क्या है ना दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम का पैकेज अगर आप देखोगे तो इसमें दो चीज़ें लिखी हुई है मैंने, एक तो जो शेयर टैक्सी का पैकेज मैंने लिया था और एक प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन। तो पहले बात करते हैं जो पैकेज मैंने लिया था। मैंने जो पैकेज लिया था वो 2 नाइट 3 डेज़ का था, जिसमें हमें उसने लाचुंग घुमाया, लाचिन घुमाया और गुरुदुमाक लेक घुमाई। और इसकी जो कॉस्ट थी पर हेड वो 3500 रुपये थी, 3500 से 4000, मुझे 4000 रुपये देने पड़े थे, बट वहाँ पर जो बोर्ड है वहाँ पर 3500 रुपये भी लिखा हुआ था। तो मे बी ये सीजनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो लेंगे, बट इससे ज़्यादा उन्हें नहीं लेना चाहिए। जिसमें कि दोस्तों आपकी सारी मील्स इंक्लूडेड रहेंगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड रहेगा और आपका वहाँ पर एकोमोडेशन भी इंक्लूडेड रहता है। अब बात कर लेते हैं एडिशनल। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं यमथंग वैली भी गया था, जीरो पॉइंट भी गया था, कटाओ भी गया था और खांडा वाटरफॉल भी गया था। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि इस पैकेज में ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं रहती है, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। जो टैक्सी ड्राइवर है वो बोलता है कि दोस्तों देखो ऐसा है, तुम सारे लोग मिलके मुझे 6000 रुपीज़ दे दो, मैं वहाँ ले चलूँगा। तो ये 6000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ता है, जिसमें हम सब मिला के कुछ 6000 रुपये कॉस्ट पड़ती है, जिसमें हम यमथंग वैली, जीरो पॉइंट और कटाओ ये सारी चीज़ें भी घूम लेते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज एडिशनल 600 रुपीज़ पर हेड आपको पड़ता है। और सारे लोग ऑब्वियसली टैक्सी में जो वहाँ घूमने आए हैं वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि
और भी जगहें घूमना तो सबको ही अच्छा लगता है ना, तो ये आप एक बात कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, और ये आपको पर हेड सस्ता पड़ सकता है अगर सारे लोग मिलके इसे कर रहे हैं। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा प्राइवेट टैक्सी का, देखो प्राइवेट टैक्सी का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज मैंने इस वाले में पहले वाले में जर्नी की थी, तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइसेस वगैरह की तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे, अगर कोई नोन बंदा मुझे ये पैकेज बता पाएगा तो मैं आपको वो रिप्लाई करके ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी फटाक से इसको बंद कर देते हैं नॉर्थ सिक्किम को और मूव कर जाते हैं ईस्ट सिक्किम में। तो ईस्ट सिक्किम में क्या है कि कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, तो पहले दिन एक दिन का टूर होता है जो डे टूर होता है, जिसमें शेयर टैक्सी आपको सेम जगह से मिल जाएगी नाथुला टैक्सी स्टैंड से। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज रेट है वो आपको 700 से 1000 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा, जिसमें आपको एक सुमो टाइप की गाड़ी मिलेगी या बुलेरो टाइप की गाड़ी मिलेगी जिसमें सारे लोग अननोन होंगे और आपको शेयर करनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी आप पहुँचोगे उतनी अच्छी सीट आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है बिकॉज ये शेयर टैक्सी रहती है, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा कहीं पर, जैसे कोई टिकट है, आपको किसी म्यूज़ियम का टिकट लेना है, या फिर आपको कहीं पार्किंग गाड़ी की पार्किंग का भी टिकट आपको ही देना पड़ता है, और या फिर कहीं पे इंट्री का टिकट होगा वो भी आपको देना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। तो यार अब जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे होगे कि बजट आपको पर हेड कितना पड़ने वाला है, ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके हमें बताया है, तो आपके लिए मैं जल्दी से ना इसे खोल देता हूँ। ये देखिए तो इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं, मैंने वैसे ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो जो फ्लाइट्स है दोस्तों ये आपको 650 यानी कि 6500 रुपये के आसपास पड़ जाएगी अगर आप टाइम से बुकिंग कराते हो, बाकी तो आपका ये मैंने अलग रखा हुआ है बिकॉज कई बार आपको फ्लाइट्स में ऑफर वगैरह मिल जाते हैं और ये जो प्राइस है ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा हुआ है। तो 6500 फ्लाइट का मान लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो एयरपोर्ट से आप गैंगटॉक तक का राउंड ट्रिप रखोगे उसमें आपको कितना खर्चा आएगा, तो उसमें अगर आप शेयर टैक्सी लेते हो तो 1200 इसका मैंने मान लिया है मोटा मोटा, अगर आप एसी टैक्सी लेते हो जिसकी मैंने आपको बताया था विज ऐप का, उसका मैंने 2000 रुपये मोटा मोटा मान लिया है, और अगर आपको शेयर टैक्सी लेनी है तो आपको ऑटो भी करना पड़ेगा तो उसका 300 रुपीज़ प्लस कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं स्टे का, स्टे का मैंने 800 पर डे के हिसाब से मान लिया अगर आप डिसेंट सा कोई बजट होटल लेते हैं अकेले हैं, और अगर आप दो लोग हैं रूम शेयर कर रहे हैं तो आप 1000 रुपये का रूम ले सकते हैं और 500-500 आपका पर हेड पड़ जाएगा, तो मोटा मोटा हमने 2400 इसका मान लिया है। और चौथे पॉइंट की बात करें तो फूड क्या लगने वाला है आपका, फूड मैंने 800 रुपये के हिसाब से 4 दिन का मान लिया है बिकॉज उसमें जो आप कभी आओगे या कुछ एक्स्ट्रा लग गया, एक दिन का एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, तो वो 3200 रुपये आपका लग गया यहाँ पे। और अभी हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि है ईस्ट सिक्किम पैकेज। अब ये जो ईस्ट सिक्किम पैकेज है वही पैकेज है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे दोस्तों, ईस्ट सिक्किम पैकेज की अगर मैं आपको क्विकली यहाँ पर लेके जाऊँ ईस्ट सिक्किम वाले पॉइंट में, तो यहाँ पर जो मैंने आपको सारे ये चीज़ें दिखाई थी जहाँ शेयर टैक्सी ये घुमाने ले जाती है, ये सारे पॉइंट जो हैं 6 के 6 ये ईस्ट सिक्किम पैकेज में आते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको पर डे की यानी कि एक दिन का ये पैकेज होता है, एक दिन आपको घुमाने ले जाते हैं, उसकी 800 रुपये के आसपास पड़ जाएगा, मैक्सिमम ये 1000 रुपीज़ आपको पड़ सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुद्वारमार्ग लेक पैकेज की, जिसकी जो कि आपको 2 नाइट 3 डेज का पड़ता है, जिसमें आपको लाचेन, लुचुंग और गुरुद्वारमार्ग लेक घुमाया जाता है, और इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा भी प्लेसेस करने हैं कवर जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट में बताए थे, उसके लिए आपको 650 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं, जो कि कटाओ, यमथंग वैली और जीरो पॉइंट होता है, घंटा वाटरफॉल वगैरह। तो ये दोस्तों 650 रुपीज़ जो है ना ये पर हेड के हिसाब से हैं, क्योंकि जो टैक्सी वाला है वो 6000 रुपीज़ पूरा लेता है एक्स्ट्रा इन प्लेसेस का, बट वो शेयर टैक्सी होती है तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उस वजह से ये 650 या 700 के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट अगर हम देखें विदाउट फ्लाइट तो आपको 1250 रुपये पड़ रही है, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 13000 आपका पैकेज बन गया है, जो कि 5 नाइट और 6 डेज का है एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल्दी से परमिट्स की। तो दोस्तों वहाँ पे क्योंकि आप बॉर्डर की साइड जाते हो तो आपको परमिट्स भी बनाने पड़ते हैं दोनों ट्रिप्स के लिए, नॉर्थ के लिए भी और ईस्ट के लिए भी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज़ फोटोज़ के लिए आपने कैरी करनी है, 2-4 रख लेना, 4 कम से कम रख लेना। उसके बाद एक गवर्नमेंट आईडी अच्छी रस्सी रखनी है, शायद 2 रख सकते हो तो अच्छा है, एक अपना 2 आईडी रख लेना, ड्राइविंग लाइसेंस और प्लस आधार कार्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप फोटो ले जाना भूल गए घर से तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे टैक्सी स्टैंड में जाओगे चंगू लेक टैक्सी स्टैंड में, तो वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ के लिए भी शॉप मिल जाएगी, क्योंकि मैं भी भूल गया था और मैंने वहीं से फ़ोटोज़ खिंचाई थी। उसके बाद परमिट की कॉस्ट जो है वो सारी पैकेज में इंक्लूडेड रहती है, और प्रोसेस जो है वो भी सारा वही लोग करते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेटर यह है कि आप एक दिन पहले उनसे ये अपना पैकेज बुक करा लें ताकि वो आपका परमिट रेडी कर दें ट्रिप स्टार्ट होने से पहले,
नहीं तो कई बार ऐसा होता है अगर आप सेम डे बोलोगे तो आपका जो परमिट है वो नहीं बन पाता और फिर आपको वेट करना पड़ जाता है एक दिन और। तो ये है दोस्तों सारा सिक्किम के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा नॉर्थ सिक्किम और तुम्हारा ईस्ट सिक्किम का जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। और ये अल्टीमेट गाइड है दोस्तों जिसको आप फॉलो करके अच्छा सा एक अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हो सिक्किम का। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मेरे व्लॉग चेक कर सकते हो जिसका लिंक मैं अब नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।